मेरा नाम हुआ निर्मल कुमार साह उर्फ लड्डू। क्या परेशानी हुआ, क्यों चिंतित हैं आप? खाना पीना खा लिए? नहीं, खाना पीना तो कोई प्रशासन के तरफ से तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, जो भी मिल रहा है खाना पीना हम लोग को तो जो है वार्ड पार्षद ही जो है हम लोग को दे रहा हल्का फुल्का। अच्छा, तो कल मतलब खाना आपके यहाँ नहीं बना था कल, जैसे हादसा के बाद मलबा हटाने का काम? दिन भर जो है हॉस्पिटल और जो है वहाँ नौलखा में जो है पोस्टमार्टम के लिए भाई का गए थे। तब के कौन डेट किए इस हादसा में? मेरा भाई है राजकुमार साह। अच्छा, वही डेट कर गए हैं? राजू, वही डेट कर गए। और कौन लोग हैं आपके है? और कौन लोग आपके हैं इस हादसा में जान गंवाने वाले, और कौन लोग हैं? और मेरा एक भतीजा है जिसका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान कल जो है उनका भी डेट कर गया दस मिनट। क्या नाम था उनका? उनका नाम था राहुल। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बताइए। उसके बाद राहुल भी डेट कर गया, उसके बाद तो फिर जो है यहाँ से जो है जेसीबी लगा करके भाई को निकाला गया, उसके बाद जो है नौलखा पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा, वहाँ से फिर जो है हम लोग चले गए बरारी घाट, वहाँ जो है उसका जो है अंतिम संस्कार करके जो है वहाँ से वापस आए तो घर जो है मेरा सील किया हुआ था। फिर हम खाए तो रात में पता चला मेरा घर सील है। हाँ। तो फिर क्या किया अचानक? हाँ, तो अचानक क्या, बगल में पड़ोसी है वो जो है हम लोग को जो है शरण दिए हुआ है, उसी पड़ोसी मदद की आपका? हाँ, वही पड़ोसी है मदद किए। उसके बाद जो है फिर वार्ड पार्षद जो है कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना का भी जो है पका हुआ खाना वो जो है पैकेट कर करके जो है ला ला करके जिला प्रशासन की ओर से आपका घर को सील किया गया। पर बात समझिए, इसके बाद आप लोगों के रहने की व्यवस्था या फिर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कुछ नहीं, खाली आ रहे हैं घूम करके जा रहे हैं। तो मांग की है आप जिला प्रशासन से, किसी से बोले? हम तो बोले, बोला क्या कि अभी जो है जांच चल रहा है, जांच चल रहा है, जांच चलने बोले। हम लोग खाना कब तक खाएंगे, खाना कब मिलेगा? हाँ, नहीं तो आज जो है जिला प्रशासन आए थे तो SDO साहब को बोला कि एक क्विंटल इसको अनाज दे दीजिए। ठीक, तो हम लोग बोले क्या कि सर आप जो है अनाज दीजिएगा तो हम पकाएंगे कहाँ, जब हमको घरे न पड़ोसी के यहाँ एक तो किनारे में रह रहे हैं, न मेरे पास कोई हड़िया है, न बर्तन है, न चूल्हा है, न गैस है, तो जो है SDO साहब करेंगे, बस बोल करके चले। कौन ये बात बोले? SDO साहब करेंगे, DM साहब बोले, SDO साहब करेंगे। हाँ, SDO साहब करेंगे, लेकिन अभी तक तो कहीं कुछ तो किए नहीं। कितने बजे बोले थे ये? अभी से लेकर के एक घंटा पहले आए थे जिला अधिकारी। सुबह से कुछ नहीं खाए आप? सुबह से जो है कुछ नहीं खाए, अभी जो है हमको वार्ड पार्षद जो है खाना भेजे हैं, तो अभी हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा थोड़ा खाना, हाँ वो भी लिमिट से ही ना देगा। भूख फिर लगा के नहीं लगा भूख अभी है? भूख लगा है फिर? भूख लगा है तो हम किसके पास जाएं, किसको बोलेंगे? रुपया पैसा भी सब जो इधर उधर हो गया, छितर बितर हो गया। टोटो चलाते थे, कमाते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। अभी जो है 3 दिन से जो है बैठे हुए हैं। तो टोटो भी आपका क्षतिग्रस्त हुआ है ना? टोटो भी मेरा जो है हल्का फुल्का क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका जो है लगा दिए हैं उधर किनारे में लगा हुआ है यहीं पर। क्या नाम, क्या नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम हुआ निर्मल कुमार साह उर्फ लड्डू। और SDM दोनों से मिलकर हमने इसकी घोर आपत्ति दर्ज की कि पीड़ित परिवार जो है, जो लगभग 25 लोग हैं, उनको अभी तक पूरी घटना घटित होने के बावजूद भी, इतने समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक प्रशासन की तरफ से ना तो खाने की व्यवस्था, ना तो पीने की व्यवस्था, ना तो आश्रय की व्यवस्था कुछ नहीं दी गई है। और जब हमने जिला पदाधिकारी महोदय से जब आग्रह किया कि इतने समय बीत गए, उनको कम से कम जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक और वैकल्पिक प्रबंध नहीं हो जाता है, तब तक इनको तत्काल ये सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग किस कैसे घर में आश्रय लिए थे। हम लोग अपने निजी तौर पर उनकी मदद जो जहां तक संभव हो पा रही है करें, या भोजन या फिर अन्य व्यवस्था है। लेकिन इस पर उन्होंने बोला कि 1 क्विंटल अनाज दिया जाएगा, तो हमने कहा आखिर अनाज जो मिलेगा वो पकाएंगे कहाँ, कैसे पकाएंगे? ना तुमके पास बर्तन है, ना तुमके पास चूल्हा है। उसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि आप आवेदन दिखाइए, तो हमने आवेदन दिखवा दिया है। उम्मीद करते हैं, अब बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब लेट ना हो, उनसे हमने कहा है कि आप तुरंत आज के आज इसकी व्यवस्था कराने का प्रबंध करें। मैडम, ये कागजी कार्रवाई में जिला प्रशासन अक्सर क्यों उलझता है? पीड़ित जो है खाने के लिए मोहताज, और आप आवेदन लिखवाने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? इसी बात का तो गुस्सा है कि हर कोई जो जहां है, अगर अपनी जिम्मेदारी अगर ढंग से निभाए ना, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं आएगी। या कागजी कार्रवाई में यह आज संवेदना दिखाने की बात है, या आगे दो कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करने की बात है, लेकिन यहाँ पर इतना समय बीत जा रहा है और उसके बावजूद भी कोई बात ढंग से नहीं हो पा रही है, तो हमें यह उचित प्रतीत नहीं होता है। हमने अपनी आपत्ति दर्ज की है, हमने DM से भी कहा है और SDM से भी हमने आग्रह किया है, ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आप तत्काल इसकी सारी व्यवस्था